अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? लोड शेडिंग हो रही है, गर्मी है इतनी और लाइट नहीं है, इसलिए अब्दुल्ला को गर्मी है और चल रही हूँ। पंखा सोया देख पड़ा मेरा खाना, लोड शेडिंग हो रही है, एक घंटा लाइट जाती है और इस टाइम डेली ही जाती है, तीन दफा जाती है। पंखे से फिर अब्दुल्ला सो रहा है ना, तो मैंने कहा उसकी नींद खराब ना हो। दोपहर को जाती है, फिर शाम को, फिर अब 9 बजे सुबह जाती है, एक घंटा दोपहर को, एक घंटा जाती है और एक घंटा रात को, इस टाइम जाती है। मैं दवाई उठा के आई हूँ, मैंने कहा दवाई आँखों में डालती हूँ लेकिन लाइट ही चली गई है। आज का ब्लॉग हम इस टाइम शुरू कर रहे हैं, रात हमें रात को ब्लॉगिंग का जोश चले आज, गर्मी जो है, हमने कहा चलो कोई उनसे बातें कर लें अपने प्यारे भी उससे। हाँ जी, वो खामोशी है ना, लाइट नहीं है तो चारों तरफ से खामोशी है। मैंने कहा चलो अभी थोड़ा ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, अभी मेरी आवाज़ सही जाएगी। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी दिखाते हैं आपको, लाइट आ जाएगी तो फिर हमने बस सोना ही है। दवाई जो है मम्मी ने एक आई ड्रॉप डाली है, दूसरी डालनी है, ये भी और आज कूलर नहीं निकाला, अम्मी थक गई थी, कपड़े धो रही थी, मशीन लगाई थी, कपड़े धोए हैं, फिर मेहमान भी होते हैं तो काम ही नहीं हो रहा, आज फिर बस पंखा ही लगा लिया बाहर, ऐसे बंद तो गया, अल्लाह का शुक्र है। हाँ दिन को सुला लेंगे, दिन को कल तो इंशाल्लाह बाहर निकालूंगी लाउज में। पंखा देखें, ये जो स्ट्रॉ होता है ना कोल्ड ड्रिंक पीने वाले, ये उससे बना हुआ है और तिल्ले के साथ इसको सिया गया है और इससे कपड़े की झालर लगाई हुई है और इसके अंदर मोती भी लगाए हुए हैं। मोती थैल ये पिछले साल हमने लिया था, सर्दी आती है तो मैं इसको रख देती हूँ ना संभाल के, फिर जब लाइट गई तो काम आता है बहुत। लाइट आ गई है शुक्र है, एक घंटा हुआ है ना तो एक घंटे बाद लाइट आ जाती है। कूलर नहीं निकाला, पंखा ही चल रहा है आज, और अम्मी अब रोटी खाने लगी है। लाइट के बगैर कैसे खाते, और सालन देखती मैं ही, हमारा देसी खाना है। ये देखे भिंडियां देखती मैं, थोड़ा सा जो बचा हुआ है ना बस उसी से अम्मी खा रही हैं, इसलिए पूरी देखती ही उठा लाई अम्मी। चले अभी अम्मी जो है ना वो खाना खाती हैं, मैंने खा लिया चावल, भिंडियां बनाई थी और मैं भिंडियां नहीं खाती तो मैंने चावल खाए। अभी के लिए जो है ना वो गुड नाइट, अब आपसे ना सुबह को मिलेंगे, सो रहे हैं अब। गुड मॉर्निंग, आप भी बोलो गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह हो गई है और आज मेरी आंख के ऊपर ये देखें दाना निकला हुआ है यहाँ पे, आज बताओ आज का, इसलिए ना ये सूजी हुई आंख, दर्द है आंख को काफी। अब्दुल्ला तैयारी कर ली है स्कूल जाने की, और यूनिफॉर्म में नहीं जाना, घर के कपड़ों में ही जाना है। नाश्ता इसको करवा दिया है, अब भी जा रहा है ये स्कूल, ये जाएगा फिर मैं अपना और मामू का नाश्ता भी बना लूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, और मैं आपसे मिलता हूँ स्कूल से आने के बाद, और मैं आप चले चलो नीचे उतर, बैग पहनो, पीछे से देख, उधर सर करना, यहाँ से देख ना बाल खड़े हैं तुम्हारे, नीचे ही नहीं हो रहे, रात को जो सोए हो ना जहाँ पे बाल खड़े थे ना वहीं पे अकड़ गए हैं, सख्त हुआ खड़े हैं। चल नीचे उतर, मिल गए पैसे, वाह 20 रुपए, चलो चलो जूती पहन के बैग पहनो। और अब अब्दुल अहद ने ना यूनिफॉर्म के बगैर जाना होता है क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं बच्चों की, गर्मियों में, गर्मियों की होती है ना छुट्टियां 2 महीने की,
सब बच्चों को हो गई हैं लेकिन अब्दुल अहद को नहीं हुई। इसके जो स्कूल वाले प्रिंसिपल है ना वो कहती है मैं छुट्टियां नहीं दूंगी, बच्चे आते रहें, लेकिन ये है कि छुट्टी जल्दी दे देती है और यूनिफॉर्म के बगैर जाना होता है। चलो बैग पहनो ना। अब मेरे जहाज जाएगा ही। अब मैं रोटी बना लेती हूँ, अम्मी जा रही हैं इसको छोड़ने और वापसी पर फिर अम्मी चाय के लिए दूध भी लेती आएंगी। अल्लाह हाफिज़। ओए बाय बाय। चुम्मी नहीं देगा? अल्लाह हाफिज। बाय शर्मा तो रहा है तू। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई बेटियां बेटो, सबको सलाम। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे अपने घरों में। अल्लाह ताला की रहमत हो आप पर, आपके बच्चों पर। ये देखो घर गंदा हुआ पड़ा है, झाड़ू देती हूँ, सारा कचरा कचरा फैला हुआ है कि मेहमान आ जाते हैं फिर काम भी नहीं होता, चरपाइयाँ अंदर डाल देते हैं, जगह नहीं बचती झाड़ू लगाने की। तो मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा रही हूँ और आपसे बातें भी कर रही हूँ। देखो बैठ का क्या हाल हुआ पड़ा है। अब्दुल अहद स्कूल चला गया है, यहाँ उसके कपड़े इस्त्री किए थे मैंने, ये भी खेस बिछा पड़ा है और यूनिफॉर्म देखो बेड पे गिरा के चला गया है उतार के। जैसे जैसे काम करते रहेंगे आपको हम दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ रहना। देखेंगे कचरा कितना अंदर जमा हुआ पड़ा था, जैसे कोई महीने का हो। मेहमान आ जाते फिर अंदर जगह भी नहीं होती झाड़ू लगाने की, इसलिए मैंने कहा आज पहले ही लगा लूँ, अभी वो आएंगे तो उसे आने के पहले झाड़ू दे दूँ। लुबना नाश्ता बना रही है और मैं झाड़ू लगा रही हूँ, बस चरपाई अंदर डाल के ना फिर नाश्ता करेंगे। मैं बाद में लगाऊंगी, आप बना लो ना नाश्ता, नाश्ता बना लो फिर इधर का झाड़ू लगाऊंगी। नाश्ता हमारा तैयार हो गया और सिंपल चाय पराठा है मेरा। अम्मी ने दही के साथ रोटी खाई थी और मामू के लिए भी दही रखी थी। फूफो ने जो है वो रात सालन जो है ना वो कटोरी में रखा था फूफो के लिए, पप्पो ने भिंडी के साथ रोटी खाई। नाश्ते के बाद फिर अम्मी ने जो कल कपड़े धोए थे ना वो रस्सी पे थे, तो अम्मी ने वो सारे कपड़े उतार कर चारपाई पे रखे हैं अंदर आकर, तो फिर अम्मी ने और मैंने मिलकर उनको लपेटा है और फिर अम्मी ने उठाकर इनको अलमारी में रखा है। मामू नाश्ता करके चले गए। अब्दुल अहद स्कूल से आ गया है और अभी गली में आए हुए गोले वाला बर्फ का गोला जो था ना, तो अपना लेने जा रहा है तो मैं कह रही हूँ मेरा भी ले आना। अच्छा मेरा भी बनवा के आना। अम्मी जी पैसे पैसे मैंने आपको दे नहीं दिए? आपकी जेब में है, दिए हैं ना आपको पैसे? अच्छा इधर पड़े हैं, चलो उठा लो। मेरे लिए 5 का शैम्पू। उसको बोलना भाई आप गोले बनाओ, मैं शैम्पू लेकर आ रहा हूँ, जब तक दुकान से ले लेना शैम्पू के साशे। कूलर का ये कवर यहाँ से उतारा है पानी डालने के लिए, आज इसमें पानी कैसे डालेंगे हम सोच रहे हैं। पाइप जो है ना वो मामू ले गए हैं, तो अम्मी अब बर्तनों से पानी इसमें डाल रही हैं। उनका मकान बन रहा है ना तो वो पाइप लगाकर ईंटें जो है ना वो तराई जैसे करते हैं,
तो अब इस तरह से हम इतनी मेहनत मुशक्कत से पानी भर रहे हैं। मना नहीं कर सकते कि जाहिर है वो कहेंगे भाई काम आती है जो चीज़, वो यहाँ से उठा के वो आते हैं तो यहाँ से ले लेते हैं। हमारा घर पास जो है ना इसके। चलो कोई नहीं, कुछ दिन हैं, किसी के काम आ जाते हैं। बुरा हो गया है ना। हाँ जी, चलो। हाँ फिर शाम को बाहर निकालना है ना। आधा तो हो ही गया तकरीबन। बस सही है। अब भी जो है ना इसको करते हैं बंद। समझ नहीं आती क्या पाइप हो ना, फिर तो हम वहां से सामने से डाल लेते हैं पानी। ये मुश्किल से लगती है ना। देखें ये जोर के ना मारो, ये और टूट ही ना जाए जो लगे हुए हैं ऊपर। अब चला के देखें। करीब से कलर दिखा कैसा है। एकदम बड़े बड़े बना के दिए उसने। और मेरे शैम्पू पैसे ले लो, पैसे ले लो। पैसों को मैंने क्या करना है। मैंने ये लिया है शैम्पू। अब चरपाई पे बैठ के। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है क्योंकि कूलर जो है ना, कूलर ने शोर मचाया हुआ है। तो मैंने कहा यहाँ पर वॉइस ओवर ही कर लूँ। गोले हमने इस तरह कटोरी में डाल लिए ताकि इस तरह से हम आसानी से खा सकें। बहुत ज़्यादा वो घुलते जा रहे थे और वो मीठा पानी जो है ना वो जगह जगह गिर रहा था नीचे, और इसलिए फिर हमने कटोरी में डाल लिया। दोपहर के टाइम पर अभी हम बना रहे हैं सत्तू। मामू आए थे तो वो कह रहे थे कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करने आया हूँ यहाँ पर, तो मैंने कहा कि चलो सत्तू बना के दो अब मामू को। और आज हम शक्कर वाला सत्तू बना रहे हैं, मतलब चीनी की जगह हम लोगों ने शक्कर डाली है जो गुड़ को पीस के बनाई जाती है शक्कर। तो ये शरबत बहुत अच्छा होता है। शक्कर भी ठंडी होती है और सत्तू भी ठंडा होता है। तो गर्मी में ये अगर आप पिए ना तो आप मतलब बहुत फ्रेश फील करते हैं और आपको गर्मी कम लगती है। तो अच्छा, कल मुझे एक मेरी सिस्टर ने बोला कमेंट में कि आपने कुकिंग कब स्टार्ट की, कब आपने सीखी, ये आप हमें बताएं, हमसे शेयर करें। तो मैंने जो है ना कुकिंग जो सीखी वो 1.5 साल तकरीबन हुआ है। पहले मैं बनाती थी लेकिन कभी कभी बनाती थी, सिर्फ सालन बनाती थी। अम्मी ने मुझे मतलब सिखाया था। तो पहले हमारा किचन नहीं था ना ऐसे, तो अम्मी नीचे बैठ के पकाती थी खाना, तो मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी तो मैं नहीं पकाती थी खाना। अम्मी ही सारा काम टोटल अम्मी करती थी। अम्मी बर्तन भी खुद धोती थी, हमारा सिंक नहीं था। लेकिन फिर जब अम्मी की आँख का मसला हुआ तो एक महीना तो मतलब हमारा बहुत ही मुश्किल से गुजरा, क्योंकि मुझे खाना बनाना आता नहीं था तो मैं कैसे पकाती खाना, नीचे मैं नहीं बैठ सकती थी, किचन भी नहीं बना हुआ था। तो एक महीना हम लोग मामू के घर चले गए थे जब अम्मी का ऑपरेशन हुआ था उसके फौरन बाद। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अम्मी की मतलब जैसे तबीयत भी ठीक हो गई, और मेरी बहुत सारी सिस्टर्स ने अम्मी के ऑपरेशन के लिए जैसे पैसे भेजे, मुझे हेल्प की बहुत सारे लोगों ने, तो मैंने पैसे वही जो अम्मी के इलाज करवा कर जो थोड़े बहुत बच गए वैसे, हमने उन पैसों से ये किचन की स्लेब बनवा ली थी और सिंक लगवा दिया था। और इस तरह से मैंने अपनी मतलब खुद कुकिंग करने के लिए अपनी जगह जो है ना वो ऐसी बनवा ली जिस पर मैं व्हीलचेयर पे बैठ के आराम से कुकिंग कर लगा। तो इस बात को 1.5 साल हो गया, तो 1.5 साल हो गया मुझे खाना पकाते हुए। उससे पहले सारा कुछ अम्मी करती थी, और 1.5 साल में मैंने ये सब खाना पकाना सीखा है। बर्तन भी अब मैं खुद धोती हूँ। ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।